नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विषय में। तो हम सब जानते ही हैं दिल्ली में वो कितनी शुद्ध साफ सात्विक राजनीति लेकर आने वाले थे, लेकिन उनकी वो शुद्ध सात्विक राजनीति, मैं मानता हूं कि जिस समय प्रवेश किया राजनीति में उस समय ये सब सिद्धांत रहे होंगे, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर भी लगाकर देखेंगे तो अक्सर आपको ध्यान में आएगा कि जिस समय अपन कुछ काम करना शुरू करते हैं तो उस समय बड़ा सात्विक तरीके से रखेंगे, लेकिन बाद में परिस्थितियां क्या बताती हैं, बाद में कहां पहुंचते हैं, ये तो बात की घटनाक्रम ही बताती है। इसलिए जब भी कोई प्रण लें, जब कोई संकल्प लें, जब कोई बात लें, तो हम सब के दिमाग में रहता है कि उस पर कितना अडिग रहेंगे ये तो समय बताएगा, बाकी तो सब आप कुछ भी कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी जिस समय सत्ता में आई उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं जाग गई कि वो राष्ट्रीय हो जाएंगे, वो मोदी जी के खिलाफ आ जाएंगे, वो मोदी जी को रिप्लेस कर जाएंगे, ऐसा उनको लगा। मोदी जी को रिप्लेस वो कर भी सकते थे अगर वो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते, लेकिन भाई कैडर तो कैडर होता है। मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी 1951 में बनी जनसंघ के रूप में, और उनको सत्ता में आने में 2014 लग गए। एक बार वो पार्शियल सत्ता में आए 1978 में, फिर 80 में फिर बाहर हो गए, फिर वो पार्शियल सत्ता में 1998 में आए, फिर वो 2004 तक चले, और फिर 2014 में फुल सत्ता में आए। वो भी 1978 में भी गठबंधन था, वो भी कांग्रेस फ्रंट सीट पर, कांग्रेस का टूटा हुआ धड़ा फ्रंट सीट पर था, और 1996 में जो सरकार बनी थी वहां पर भी वो मिलीजुली सरकार बनी थी। पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, और फिर 5 साल चले। ये रहा तो क्या चाहिए होता कैडर। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में कैडर नहीं है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ काम कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारी भी होंगे, लेकिन कैडर वो जो होना चाहिए सरकार बनाने के लिए वो आज भी तमिलनाडु और केरला में कैडर नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी शाखाएं हैं नीचे तक, लेकिन वो एकदम सात्विक तरीके से काम करते हैं तो सत्ता के लिए नहीं करते हैं, सत्ता उनके मन में नहीं रहता, लेकिन वो उनके स्ट्रक्चर का कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि वो उनका स्ट्रक्चर है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर नहीं है। आप सोचो, संघ का कैडर होने के बावजूद, संघ का स्ट्रक्चर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर नहीं है, इसलिए वो वहाँ सरकारें नहीं बना पाते। आम आदमी पार्टी अभी उसने जन्म लिया था दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, जो एक किसी बड़े प्रदेश में, मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के एक जिले के बराबर है। मैं अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात करूँ, कानपुर की बात करूँ, मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ की बात करूँ, या फिर गाजियाबाद, नोएडा की बात करूँ, या और बरेली जैसा शहर है, बनारस है, इलाहाबाद है, मतलब प्रयाग है, इनकी बात करूँ तो दिल्ली उतनी बड़ी है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दिल्ली उससे हो सकता है छोटी हो। तो एक जिले में जो बाहर से, जहाँ माइग्रेंट लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों की एक अपेक्षा रहती है कि वो कैसे पैसा बचाएं। इसलिए दिल्ली में एक तो मैं कहता हूँ मलेच्छों की संख्या ज़्यादा है, दूसरा दिल्ली में माइग्रेंट्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मलेच्छ उनके पक्ष में रहते हैं और माइग्रेंट जो हैं वो पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं। तो परिणाम निकलता है कि जब खजाने खोले अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषणों में, तो लोगों को लगा ठीक है यार, क्या है 10,000-2,000 रुपए महीने बचेंगे तो साल के 12-15,000 होते हैं, 5 साल रहेंगे तो 60,000 होते हैं, गाँव में एक कमरा बन जाएगा। ये बड़ी संख्या में लोगों के विचार में रहा होगा, इसलिए वो सत्ता में आ गए। लेकिन कैडर जो मैं कह रहा हूं, कैडर का मतलब होता है कि 2500 साल व्यक्ति काम करता है किसी संगठन के साथ, उसके बाद वो उभर कर सामने आता है और उसको पॉलिटिकल विंगों में लिया जाता है, क्योंकि उसके कंधे पर नेतृत्व आ जाता है, सरकार चलाएगा और इमेज हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक ब्लफ में आए, वो भी अन्ना हजारे के ब्लफ में आए। सबसे पहले उन्होंने अन्ना हजारे को ही धोखा दे दिया, फिर उसके बाद प्रशांत भूषण और वो योगेंद्र यादव और पता नहीं कितने,
सब बाहर जाते चले गए, कुमार विश्वास जो अभिन्न अंग थे वो बाहर होते चले गए। इसके बाद जो उनके चाटुकार बने उनमें मनीष सिसोदिया एक अच्छे साथी थे, शुरू से चल रहे थे, और दूसरे सत्येंद्र जैन। लेकिन कोई राशन कार्ड बनाने में पकड़ा गया, तो कोई फर्जी डिग्री लगाने में, लॉ मिनिस्टर उनके लॉ मिनिस्टर लॉ की फर्जी डिग्री लगा के रखे थे उसमें पकड़े गए। और अभी आज एक और प्रकरण आ गया, उनके एक एमएलए, ये मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन एमएलए है, पिछले चुनाव में, चुनाव के समय 2020 का चुनाव चल रहा था या 19 का चुनाव चल रहा था या कोई चुनाव था उस समय, उस चुनाव में दूसरे दिन वोटिंग होने जा रही थी, ये सज्जन जो विधायक जी हैं ये सज्जन वहाँ कंपिंग करने गए होंगे तो कुछ झगड़े झगड़े हो गए, किसी एक एससी को, यानी कि शेड्यूल कास्ट को, दलित समाज के किसी बच्चे के साथ मारपीट कर दी, वो स्टूडेंट था, उसको गालियां दी भद्दी भद्दी जो एससी एसटी एक्ट के तहत आती है। मामला दर्ज हो गया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट के सामने उस बच्चे ने अपने एविडेंसेस रखे, वहां के जो गवाह थे वो गवाह रखे, अपनी पूरी बात कही। कोर्ट के सामने विधायक जी ये नहीं बता पाए कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, वो बच्चे ने अपना केस को प्रूफ किया, एससी एसटी एक्ट के तहत प्रूफ किया कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, इसके अलावा ग्रीवस हर्ट की या हर्ट की और मारपीट कर दी। न्यायालय ने इनके एविडेंसेस मांगे तो ये कुछ कर नहीं पाए। नतीजा निकला कि न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट के तहत इन सज्जन को दोषी पाया। अखिलेश पति त्रिपाठी ये नाम है, अखिलेश पति त्रिपाठी नाम के आम आदमी पार्टी के एमएलए ने किसी शेड्यूल कास्ट बच्चे को साथ मारपीट की चुनाव के चक्कर में, और उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, उसकी इंसल्ट की, जिसकी एफआईआर हुई, उस एफआईआर के नतीजे से ये हुआ कि श्रीमान जी कोर्ट में मुकदमा हार गए और अखिलेश पति त्रिपाठी को एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी करार किया आज न्यायालय ने। अभी सजा नहीं दी, कन्विक्शन दोषी करार दिया है, सजा नहीं दी, सजा अभी एक समय दिया जाता है। राहुल गांधी को भी पहले दोषी माना था, फिर सजा का समय दिया गया था कि भाई सजा के लिए भी आप बहस कर लो, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं हमें दया नहीं चाहिए। नतीजा निकला कि 2 साल की सजा उनको हो गई थी। वैसे ही इस बच्चे के केस में विधायक जी को अब समय दिया गया है कि आप सजा पर बहस कर लीजिए। अब वो सजा कितनी होगी, 6 महीने से लेकर और 5 साल तक की भी हो सकती है। विधायक जी राहुल गांधी के पदचिन्हों पर चलेंगे, माफी ना मांगे तो फिर 5 साल की भी सजा हो सकती है और उससे ज्यादा की भी हो सकती है। लेकिन 6 महीने की सजा तो कम से कम, मिनिमम 6 मंथ्स पहले होता है, अप टू फाइव ईयर्स का मतलब जीरो भी दे सकता है, हड़का धमका के भी छोड़ सकता है मैजिस्ट्रेट और उसके बाद आपको छोड़ दे। लेकिन जब ये कहा जाता है मिनिमम 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने की सजा और 5 साल तक, अब ये डिपेंड करता है कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने माफ़ी शाफी कैसे मांगते हो, किन शर्तों पर मांगते हो, क्या करते हो, आम आदमी पार्टी उसको कैसे देखती है। तो अखिलेश पति त्रिपाठी का आज विकेट गिर गया। अगर 2 वर्ष से ऊपर की उनको सजा मिलती है तो लिली थॉमस के जजमेंट के अनुसार ये वो सीट वैकेंट हो जाएगी, वो सीट वैकेंट होने के बाद फिर से भरी जाएगी। क्यों? क्योंकि अखिलेश पति त्रिपाठी साहब जो एमएलए हैं उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट बच्चे के साथ बदतमीजी कर दी, उसकी मारपीट कर दी, अरविंद केजरीवाल के चक्कर में दलित उत्पीड़न का मुकदमा लगा और सिद्ध भी हो गया। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं रहते या जिनसे अपराध नहीं होता या जिनका अपराध कुछ समय में हाईलाइट नहीं होता। उप मुख्यमंत्री जेल में है, फाइनेंस मिनिस्टर पूर्व के जेल में है, वो रेप केस में राशन मंत्री वो जेल में है, फर्जी डिग्री LLB की लगाकर वकील बनने वाले मंत्री जी जेल में है, कितने सारे जेल में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए
सारे विभाग उन्होंने अपने करीबी मंत्रियों को दे रखा है, और वो जो करीबी मंत्री बैठे हुए हैं वही सब मंडवली करते हैं, वही सब तंत्र बनाते हैं, वही सब पैसा इकट्ठा करते हैं और केजरीवाल को दे देते हैं। केजरीवाल उस पर अपनी राजनीति तय करते हैं, लेकिन केजरीवाल किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करते, और चूंकि केजरीवाल किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते ही नहीं हैं इसलिए कैसे बचे। हालांकि मनीष सिसोदिया वाले मामले में जो दिनेश अरोड़ा नाम का व्यक्ति है उसने ये बयान दे दिया है कि मनीष सिसोदिया उसे लेकर गए थे अरविंद केजरीवाल के पास और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक हुई थी, पैसे तय हुए थे और डिस्ट्रीब्यूशन तय हुआ था, उसके बाद उसने वो पॉलिसी बनाई थी और तब दिल्ली सरकार ने वो पॉलिसी लागू की थी, क्योंकि दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल को पैसे की जरूरत थी उनको पार्टी चलाने। मैंने कहा कि कैडर का मतलब वो होता है कि आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2500 साल कार्यकर्ता काम करता है तो आप उसको अच्छा खराब समझ लेते हैं। और अगर हम ये कहें कि एक भीड़ तंत्र में कोई व्यक्ति आया, कुछ अन्ना आंदोलन की वजह से पैदा हो गया, अब वो लॉयलिस्ट लोग ढूंढ रहा है, वो ऐसे लोग ढूंढ रहा है जिनके कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके थ्रू वो पॉलिटिक्स कर सके। वो पॉलिटिक्स तभी कर सकता है जब वो ढूंढने में सफल हो जाएगा। तो कैडर का मतलब ये होता है कि चुने हुए या व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। जब हम कैडर से बाहर की बात करते हैं तो फिर स्वाभाविक है, अगर आपको एक नंबर चाहिए तो वो नंबर है, नंबर राशन कार्ड बनाते समय रेप भी करता है, नंबर फर्जी डिग्री भी लगाता है, नंबर प्रॉपर्टियां भी बनाता है और वो नंबर उप मुख्यमंत्री भी बनता है, लेकिन वो आपका पार्टी का लॉयलिस्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो पार्टी का लॉयलिस्ट हकीकत में है नहीं। पार्टी का लॉयलिस्ट देखने में हो सकता है, लेकिन ये आपको कैसे पता लगे कि वो लॉयलिस्ट है, क्योंकि उसकी चार बातों से लॉयलिसिटी नहीं पता लगती। वो मैंने जैसे कहा कि वर्षों तक लोग काम करते हैं, उसके बाद कहीं पॉलिटिकल पार्टियां उनको अवसर देती हैं कि भाई ये व्यक्ति मेरा रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नए आए, कैडर बना नहीं, लोगों से पहचान हुई नहीं, जिसने ज़्यादा पैसा दे दिया होगा, जिसने ज़्यादा मित्रता कर ली होगी, जिसने ज़्यादा अपनी बात को सही से कह लिया होगा, या जिससे वो प्रभावित हो गए होंगे, उसको टिकट उन्होंने या तो बेच दी या फिर उसको देकर कुछ अर्जन कर लिया, या फिर उसको देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करी। परिणाम ये ही होने थे, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल का एक और विकेट गिरा है। सजा देखते हैं कि जो समय दिया गया है उस समय पर सजा कितनी होती है, ये माफी शाफी का क्या चक्कर रहता है। अगर वो राहुल गांधी के रास्ते पर उतरे तो फिर बड़ी मुसीबत होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।